बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। मैं अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला इसकी एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर है 311 और 12 इस पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट, इसका सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पहले पार्ट की जानकारी पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको इक्वेशन मालूम करनी है किसकी, टेंजेंट की और नॉर्मल की। टेंजेंट और नॉर्मल मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूं। पहले पार्ट में एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर टू द पैराबोला, इस कर्व के ऊपर। डायग्राम देखिएगा, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इन टू 12x, इस तरीके का पैराबोला बनेगा कर्व। इस पर एक पॉइंट P 3.6 है, टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, M1, और इसी के ऊपर एक इसी पॉइंट पर और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वो लाइन क्या कहेंगे, नॉर्मल, और इसका स्लोप क्या होगा, M2 होगा। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन मालूम करनी इस पैराबोला पर, इस पॉइंट पर। तो डेरिवेटिव मेथड इस्तेमाल करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square is equal to 12x, this is called your one। अब हम ये काम कर रहे हैं कि differentiate one with respect to x के लिहाज से, तो ये पावर नीचे गिरेगी, पावर में कमेगी, dy / dx, x का डेरिवेटिव वन होता है 12, अच्छा 2 × 2, 2 × 6 = 12। dy / dx मालूम करना है, dy / dx is equal to 6, y multiply कर रहा है, इधर आगे divide करेगा। अब हम पहले tangent के लिए working करेंगे। हम लिखते हैं let m1 be the slope of tangent to the curve एट पॉइंट पी, जो हमने सपोज किया हुआ है 3.6। तो आप क्या करेंगे, यहां देखिए मैं यहां पे पुट करूंगा है 1 dy / dx 3.6, यहां मैं पुट कर दूंगा 6/6, 6 से 6 कैंसिल, m1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस टेंजेंट लाइन को देखें, एक पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप भी पता है, तो इसका मतलब स्लोप पता है और पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने 2.5 पे पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यूजिंग पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे, और पॉइंट स्लो फॉर्म मिलने क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। स्लोप तो ये सवाल करेंगे और x1 y1 ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि y - 6 इज इक्वल टू 1 × x - 3। और बेटा देखो, मल्टीप्लाई करो x - 3, इसको उधर शिफ्ट कर दो, x - y - 3 ये उधर जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0, x - y + 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद मैं नॉर्मल के लिए काम करूंगा। अब हम यहां पर
ये लिखूंगा कि लेट एम टू बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर होता है टू टेंजेंट. तो यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन चैप्टर नंबर टू में पढ़ा हमने, एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, और एम वन किसके बराबर है वन मल्टीप्लाई बाय एम टू माइनस वन. तो एम टू जो है वो माइनस वन आ गया. फिर हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन वाई वन वही पॉइंट है थ्री कॉमा सिक्स पुट कर दीजिए, ये माइनस वन था एक्स माइनस थ्री बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर दें. तो जनाब हम y माइनस सिक्स माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस थ्री, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए x प्लस वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी. स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए और इसके साथ ही हम आज का अपना वीडियो लेक्चर एंड करते हैं और नए सवाल के लिए इंशाल्लाह आप लोग देखते रहिएगा सऊद सॉल्यूशंस को. अल्लाह हाफिज़.